नमस्कार दोस्तों, ओल्डिस इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उसी तरह दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक कांटे वाले मीटर से अटैच डिजिटल टीवी सेट करके बता रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक कांटे वाला मीटर चाहिए, एक सर्विस केबल चाहिए और एक 10-11 की चाबी चाहिए। इन तीन आइटम से दोस्तों आप एयरटेल डिजिटल टीवी सेट कर सकते हो। और LMB स्क्रू एंगल मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप एयरटेल की डिश को कैसे सेट करें और कैसे डिश को हिलाएं और कैसे एक 10-11 के पाने से और ये तीन टूल से हम डिश की सेटिंग कैसे करें। तो इसकी जानकारी के लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना होगा। वीडियो देखकर आप डिश की सेटिंग करें। यहाँ देखिए दोस्तों, एयरटेल का जो स्क्रू एंगल -50 रहता है, लेकिन यहाँ जो मेरी LMB है इसे हम 0-0 कर देंगे। और 0-0 करने के बाद में दोस्तों ये LMB हमारी इस तरह से रहेगा, यानी LMB कैप का 0 और हम LMB का 0 बराबर रहेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ प्लस चलता है, इधर माइनस चलता है। आपको माइनस पे -50 आपको LMB को सेट करना है, जो इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप LMB की स्क्रू एंगल करें। और ये हमारा -50 LMB हो चुका है और हम डिस्क की सेटिंग। LMB से दोस्तों हम जो सर्विस केबल है 2 मीटर का, वो सर्विस केबल यहाँ कनेक्ट करेंगे। और सर्विस केबल कनेक्ट करने के बाद में हमारा जो डिश है, ये एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। इसी सेटिंग को देखने के लिए दोस्तों आपको ये बोल्ट है, इन साइडों के दोनों बोल्ट को आपको थोड़ा थोड़ा टाइट करना है, फुल टाइट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा टाइट करना है। और इसके साथ दोस्तों आपके ये तीन बोल्ट होते हैं, इन तीनों बोल्टों को दोस्तों थोड़ा थोड़ा आप टाइट करो, ताकि जो आपका डिश है वो आराम से हिल जाए, ऊपर नीचे हो जाए, लेफ्ट राइट हो जाए। ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइट कर दो, डिश में बैंड आ जाए। तो आपको थोड़ा थोड़ा ये टाइट करना, ताकि हमारा जो डिश एंटीना वो आसानी से घूम जाए, ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो इसी सेटिंग को करना होगा। अब लेते हैं दोस्तों कांटे वाले मीटर को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ हमारा LMB का वायर में यहाँ लगाएंगे और जो रिसीवर का है यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब हम कैसे डिश की सेटिंग करेंगे दोस्तों, इस जो मीटर की सुई को हम 6 पे कर देंगे। 6 पे करने के बाद में दोस्तों थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, इसे हम 6 पे करेंगे। 6 पे करने के बाद में दोस्तों एक कांटे वाला मीटर जो सुई 6 पे करने के बाद है, हम जैसे ही डिश को हिलाएंगे, अगर आपकी सुई एकदम डाउन हो जाए तो दोस्तों जैसे अभी इस वीडियो में डाउन होगी, यहाँ देखिए दोस्तों थोड़ा डाउन हो गया, तो मैं इसे वापस 6 पे कर लूँगा, क्योंकि हम डिस्क का सेटअप करते हैं। तो मैंने इसको 6 पे या 5 पे करने के बाद में, अब देखिए कितना जल्दी हमारा एयरटेल का डिस्क सेटअप होगा। ये देखिए दोस्तों हमारा डिस्क का सिग्नल मिल चुका है। एयरटेल का डिस्क का झुका हुआ रहेगा और इसी जगह दोस्तों आपका ये कांटे वाले मीटर की सुई भगी, उसी जगह एयरटेल डिस्क का सेटअप होगा। तो ये आप, अब मैं आपको मीटर में चेक करवाता हूँ और डिस्क की पोजीशन दिखाता हूँ। यही दोस्तों एयरटेल का डिस्क आपका इतना झुका हुआ रहता है और ये DD फ्री डिस्क के जस्ट उल्टे हाथ की तरफ ही ये दोस्तों आएगा। और LMB इसका -50 पे रहता है। अब मैं आपको मीटर से इसके सिग्नल टेस्ट करवा देता हूँ कि इसमें एयरटेल के सिग्नल आए हैं या नहीं आए। तो पूरा वीडियो देखो, कांटे वाले मीटर को मैं निकाल रहा हूँ और जो एयरटेल का जो TP फ्रिक्वेंसी मैं आपको इस मीटर में ऐड करके और पूरा आपको सिग्नल टेस्ट करवाऊंगा, ताकि आप एक कांटे वाले मीटर से एयरटेल की डिश की सेटिंग कर सकते हैं। इस मीटर में दोस्तों हम जो TP है एयरटेल का 11483 क्वालिटी भी रहेगा और सिंबल रेट 28,800। ये इस मीटर में दोस्तों मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि नया मीटर है, नया मीटर में ऐड करना पड़ता है। उसी के ही बाद में दोस्तों मैं आपको सिग्नल टेस्ट कराऊंगा। लेकिन दोस्तों आपका जो एयरटेल डिश सेटिंग के लिए आपको LMB -50 पे रखना है। और यहाँ देखिए दोस्तों मैं आपको पूरा टेस्ट करवा देता हूँ। ये हमारा TP फ्रिक्वेंसी इसमें ऐड हो चुका है और यहाँ हमारी जो सिग्नल है आप चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, थोड़ा सेटअप हो जाए मेरा। ये अभी सेटअप हो रहा है दोस्तों, TP फ्रिक्वेंसी ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरा सिग्नल आ चुका है और यहाँ आप देख सकते हो, थोड़ा मैं आपको आगे लेके जूम करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ सिग्नल चेक कर सकते हो। और इसमें दोस्तों 12 पॉइंट कुछ DB आ रहा है, तो आप इसे LMB स्क्रू एंगल से सेट करके इसे बढ़ा सकते हो। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी सेटिंग है एयरटेल डिश सेटिंग करने वालों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो